हेलो फूडीज, वेलकम टू नाजीज किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो है अरेबियन चिकन मंदी। तो आइए इस रेसिपी को बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में हम बनाएंगे मंदी स्पाइस पाउडर। इसके लिए जार में हम लेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा, 6 इलायची, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 बड़ी इलायची, जायफल का पाव टुकड़ा, 6 लौंग डालकर इसे सूखा पीस लें। तो चलिए दूसरे स्टेप में चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो क्लीन किया हुआ चिकन लिया है। मिक्सिंग बाउल में 3/4 क्वांटिटी मंदी स्पाइस पाउडर डालें और बचे हुए पाउडर को हम चावल में इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, करीब 2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 नींबू का रस, 2 पिंच ज़ाफ़रान को मैंने थोड़े से पानी में भिगोया था, इसका 1/2 क्वांटिटी यहाँ डाल रही हूँ। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब इन मसालों में चिकन को डालकर अच्छे से कोट करें। मंदी में यूजुअली चिकन के बड़े पीसेस लिए जाते हैं, मगर मैं यहाँ थोड़े छोटे पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। सारे पीसेस मसालों में अच्छे से कोट होने के बाद इसे 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने दें। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को स्टीम में गलाएंगे। 1 पतीले में 1.5 लीटर पानी को डालकर इस पे एक छन्नी को सेट करें। मंदी की यही खासियत है कि हम चिकन को स्टीम में गलाते हैं। अब इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को इस तरह से रख दें और इस पे एक लिड को बंद कर दें। अब इसे हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने दें। 15 मिनट के बाद चिकन को दूसरी साइड फ्लिप करें और लिड बंद करके लो फ्लेम पर और 20 मिनट के लिए पकने दें। आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। चिकन गलने के बाद इसमें जो पानी बचा है इसे हम चावल में इस्तेमाल करेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर ऑयल गर्म होने के बाद चिकन को मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लें। पाँच मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे दूसरी साइड फ्लिप करें। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। चौथे स्टेप में बड़े से पतीले में 2 टेबलस्पून घी या ऑयल लें। ऑयल गर्म होने के बाद एक मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज को डालकर ब्राउन कलर आने तक भूनें। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर रस मिल जाने तक भूनें। हाई फ्लेम पर सारा प्रोसेस करें। अब बचे हुए मंदी पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स करें। मैंने रेसिपीज को कैटेगराइज करके प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है, आप चाहें तो वहां पर भी चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालें। यहाँ मैंने 800 ग्राम बासमती चावल लिया है जो 4 ग्लास है। तो 4 ग्लास चावल के लिए 6 ग्लास पानी प्लस 2 ग्लास चिकन स्टॉक मिक्स करके डाल रही हूँ। थोड़े लोग 1 ग्लास चावल के लिए पानी का क्वांटिटी डबल डालते हैं और थोड़े 1.5 ग्लास डालते हैं। मैंने यहाँ 4 ग्लास चावल के लिए 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। 2 हरे मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर हाई फ्लेम पर पानी को अच्छे से बॉईल होने दें।
भीगे हुए बासमती चावल को यहाँ पर डालकर अच्छे से मिक्स करें। हाई फ्लेम पर चावल को अच्छे से पकने दें। चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब फ्लेम को लो करें। बचे हुए जाफरान के पानी को डाल दें। अब इस पर चिकन को अच्छे से सेट करें। चिकन को अच्छे से सेट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चावल को अच्छे से दम होने दें। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल अच्छे से दम हो चुके हैं, अब फ्लेम बंद कर दें। मंदी को सर्व करते समय डीप फ्राई किए हुए प्याज को ऊपर से डालें। इस पर चिकन को सेट करें। ये थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स है, इससे मंदी को गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आएगी।